अखिलेश मायावती के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। यूपी के एसपी बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस को नहीं मिलेगी जगह। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही सियासी दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की मुहिम में जुटी है, लेकिन यूपी में कांग्रेस की इस मुहिम को जोर का झटका लगता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबले के लिए एसपी और बीएसपी का गठबंधन फाइनल हो गया है। खबर तो यहां तक है कि दोनों दलों के बीच सीटों पर ही सहमति बन गई है। एसपी बीएसपी के इस गठबंधन में आरएलडी को तो जगह मिली है, लेकिन कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो प्रदेश की 80 सीटों में से बीएसपी 38, एसपी 37 और आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 सीटें रायबरेली और अमेठी में गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। और यहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस को गठबंधन नहीं मिलना राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हालांकि इस आशंका को बल उसी वक्त मिल गया था जब विपक्षी दलों की बैठक में एसपी और बीएसपी का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद अखिलेश और मायावती ने 3 राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह से भी किनारा कर लिया था। शपथ ग्रहण से दोनों के अलग रहने को विपक्षी एकता के लिए अच्छे संकेत नहीं माने गए। कयास लगाए जाने लगे कि एसपी बीएसपी के गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी। और अब जो खबर सामने आ रही है उससे कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि ये गठबंधन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इंडिया न्यूज़ पारल की रिपोर्ट।